नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं आप खबर सुल्तानपुर से है। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सूरत बदलनी चाहिए। आग चाहे तेरे दिल में हो या मेरे दिल में हो, यह जलनी चाहिए। पीर पर्वत सी हो चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, अब ये सूरत बदलनी चाहिए। भ्रष्टाचार के मकरजाल में उलझा नगर पंचायत। टाउन एरिया कादीपुर नगर पंचायत में हो रहा सरकारी धन का दुरुपयोग। आपको बताते चलें कि बातें नाले के ऊपर अनाधिकृत निर्माण कार्य और अनधिकृत कब्जा नगर पंचायत के द्वारा किया जा रहा है। अपने चहितों को लाभ पहुंचाने की नीयत से नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी युवा नेतागण शासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नियम कानून को ताक पर रखकर उक्त निर्माण कार्य करा रहे हैं, जिसमें मोहल्ला जवाहर नगर के पीड़ित दिलशाद कुरैशी ने जिलाधिकारी इंदुमती से लगाई न्याय की गुहार। जिला अधिकारी ने एसडीएम कादीपुर को नियमानुसार कार्रवाई करने का दिया आदेश। एसडीएम कादीपुर निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं पर मूर्धन्य कवि दुष्यंत कुमार जी का एक शेर है, जहां तो चिराग तय था हर घर के लिए, यहां एक चिराग मयसर नहीं है पूरे शहर के लिए। यह शेर बिल्कुल सटीक बैठता है हमारे कादीपुर नगर पंचायत कार्य व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर। खबर भेजो, जहां सुबह के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार नदी नालों और गड्ढों को भूमाफियाओं से खाली कराने का काम कर रहा है, तो वहीं पर सुल्तानपुर जनपद के काम कादीपुर टाउन एरिया के चेयरमैन पर लगा आरोप नाले की जमीन पर कब्जा करने का। आपको बताते चलें कि पीड़ित निवासी जवाहर नगर पुरानी बाजार कादीपुर जनपद सुल्तानपुर दिलशाद कुरैशी ने बताया कि मकान नाले से सटा हुआ है, जो सरकारी नाला काफी अरसे से बह रहा है, जिसमें कादीपुर क्षेत्रवासियों का पानी बहता है और उसका टाउन एरिया के अधिकारी और चेयरमैन अवैध रूप से कब्जा धनवान अधिकृत निर्माण करवा कर कब्जा करने की नीयत से निर्माण कार्य चल रहा है और इसका काम जोरों पर चल रहा है। पीड़ित ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से इंदुमती से दिनांक 12/2020 को की है, लेकिन अभी तक काम रुकवाने प्रशासनिक अमला नहीं पहुंचा। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है, क्या बीजेपी सत्ता का दबाव तो नहीं? अधिकारी काम को रुख वाला मुनासिब नहीं समझ रहे। जब जिला अधिकारी से अनुमति आदेश कर पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर एसडीएम कादीपुर को आदेशित किया था कि नियमानुसार कार्रवाई की जाए, तो आखिर अब तक एसडीएम कादीपुर द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एसडीएम कादीपुर को मामले की जांच करने के लिए कहा, लेकर शिकायतकर्ता ने बताया कि अभी तक ना तो एसडीएम साहब वहां पहुंचे हैं और ना ही कोई प्रशासनिक अमला वहां पहुंचा है। सुल्तानपुर से हरिशंकर सोनी की रिपोर्ट। सर आपका शुभ नाम क्या है? दिलशाद अली। मामला क्या है आपका? मामला भैया ये है कि हमारे घर के बगल से एक सार्वजनिक सरकारी नाला बहता है जी, और उस नाले से पूरे कादीपुर का क्या, ये मान लीजिए 4-5 किलोमीटर का पानी उसी नाले से निकलता है जी। और बरसात के टाइम में यह नाला बिल्कुल यह समझ लीजिए नदी का रूप धारण कर लेता है जी। और उस नाले पे चेयरमैन साहब की तरफ से, टाउन एरिया की तरफ से या किसी और की तरफ से, लोग यही कह रहे हैं कि टाउन एरिया की तरफ से चेयरमैन साहब बनवा रहे हैं, उस नाले पे एक पक्का निर्माण मकान बनाया जा रहा है। अगर उस पर पक्का निर्माण हो जाएगा तो पानी नहीं निकलेगा, और बाद में जब यही पानी इकट्ठा होगा तो बीमारी फैल सकती है, और बारिश के दिनों में पटना जैसे हालात बन सकते हैं। इसकी शिकायत क्या आपने उच्च अधिकारियों से किया? इसकी शिकायत हमने डीएम साहब से किया था जी। डीएम साहब ने हमको लिखित एसडीएम को एक कागज़ दिया था, हम ला के वह कागज़ एसडीएम साहब को दिए, लेकिन एसडीएम साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, और काम बहुत धड़ल्ले से हो रहा। जहाँ 2 आदमी काम कर रहे थे, उन 2 आदमियों की जगह आज 10 आदमी काम कर रहे हैं, और काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ पे अनाधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है। वो कोई भी देखेगा वो सीधा बोलेगा ये सरासर अनलीगल है, लीगल नहीं। नाले के ऊपर किसी को अलाउ नहीं, को नाले के ऊपर अपना घर बना ले। तो क्या इसकी शिकायत आपने कोतवाली में भी दिया? कोतवाली में हम नहीं दिए थे, एसडीएम साहब को दिए थे। तो एसडीएम की तरफ से अभी तक कोई